कई चीज़ें हैं जो मैं हर सेमिनार में रिपीट करता हूँ, उसमें से एक ये है कि स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। कि तुम लोग जो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हो, अपने स्कूल में किसी कारणवश पकड़े गए, कार्रवाई हुई हमारे ऊपर, तो मेरी माता जी ने कहा घर में कि कुल का नाम खराब कर रहा, तो मेरे पिताजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले कौन सा मुगल कुल है कि हमारे कुल का भारत में बड़ा नाम, बोले कोई बात नहीं बेटा जाओ तुम, हो गई गलती तो कोई बात नहीं। स्टूडेंट तुम जहाँ भी सीखने जाओगे ये सब कॉन्सेप्ट लेकर, मैं तो क्लास में देखता हूँ 500 लड़के 600 लड़के बैठे होते हैं, सवाल ही नहीं करते, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत नहीं दे पाई कि तुम भीड़ में खड़े होकर प्रश्न कर सको, तो वो एजुकेशन तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? अगर तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो और तुम सवाल नहीं कर सकते, भाई तुम सवाल, यहां इतने सारे लोग बैठे, अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो और लोग हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोग सिर्फ मुर्दों पर नहीं हंसते। तुम अगर जिंदा हो, तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे। तो एजुकेशन कम से कम इतनी तो क्षमता दे कि मैं पूछूंगा हाथ उठा के। कितने लोग आते हैं कोचिंग करने, वो कोचिंग से वापस चले आते हैं, वो अपने डाउट्स पूछते ही नहीं क्लास में, टीचर से मिलने ही नहीं जाते। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे। अब और तुम उसी चीज से डरते हो, भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो भगा देंगे क्लास, पूरी क्लास हंसने लगी, कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर।